क्लास 11। बच्चों आप पढ़ रहे थे मेटा जोआ, जिसमें हमने आपको फाइलम पोरिफेरा पढ़ाया था और पोरिफेरा के अंतर्गत कुछ सामान्य उदाहरण भी बताए थे, जैसे साइकन या साइफा, और उसके बाद बताया था हमने यूप्लैक्टेला। आज हम आपको बताएंगे यूप्लैक्टेला के महत्व। तो हेडिंग डालिए यूप्लैक्टेला के महत्व, यूप्लैक्टेला के महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ यूप्लैक्टेला, यूप्लैक्टेला के महत्व हेडिंग डालनी होगी। लिखेंगे नम स्पंज के निम्न आर्थिक महत्व हैं, स्पंज के निम्न आर्थिक महत्व हैं। नंबर एक, कुछ स्पंज मुलायम होते हैं। लिखेंगे कुछ स्पंज मुलायम होते हैं, जो कुछ स्पंज मुलायम होते हैं जो स्पॉन्जिन नामक गंधक युक्त, कुछ स्पंज मुलायम होते हैं जो स्पॉन्जिन नामक गंधक युक्त स्केलोरो प्रोटीन, गंधक युक्त स्केलेरो प्रोटीन के बने होते हैं, स्केलेरो प्रोटीन के बने होते हैं। इन्हें स्नान करने में उपयोग किया जाता है, इन्हें स्नान करने में उपयोग किया जाता है। यह स्पंज सबसे कीमती होता है, यह स्पंज सबसे कीमती होता है, यह स्पंज सबसे कीमती होता है। नंबर सेकंड, यूप्लैक्टेला अत्यंत सुंदर फूलों के गुच्छे के समान दिखाई देता है, यूप्लैक्टेला अत्यंत सुंदर फूलों के गुच्छे के समान दिखाई देता है, तथा सजावट के काम भी आता है तथा सजावट के काम भी आता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, कुछ आर्थ्रोपोड्स व मोलस्कन अपना सुरक्षित स्थान स्पंजों में बना लेते हैं, अपना सुरक्षित स्थान स्पंजों में बना लेते हैं। अगला नंबर, गद्दे कॉमा बस व कार की सीटों में, गद्दे कॉमा बस व कार की सीटों में स्पंज उपयोग होता है, स्पंज उपयोग होता है।
यूप्लैक्टेला, ये थे यूप्लैक्टेला और यूप्लैक्टेला के आर्थिक महत्व। तो इसी के साथ तो जो तुम्हारा जो संघ था पोरीफेरा वह भी कंप्लीट हो गया। अब लिखेंगे संघ निडेरिया, संघ निडेरिया या सिलेंड्रेटा, संघ निडेरिया या सिलेंड्रेटा। समिमिडेरिया या सिलेंट्रेटा, फाइलम फाइलम सिनेडेरिया और सिलेंट्रेटा लिखेंगे। इस संघ की लगभग 9000 जातियां, इस संघ की लगभग 9000 जातियां अभी तक ज्ञात हैं। इस संघ की लगभग 9000 जातियां अभी तक ज्ञात हैं। हिस्चैक ने 1888 में इसे निडेरिया नाम दिया था। 1888 में इसे निडेरिया नाम दिया था। सामान्य लक्षण, सामान्य लक्षण लिखें। नंबर एक, ये जलीय व मुख्यतः समुद्री होते हैं। जैसे हाइड्रा। नंबर सेकेंड, ये आर्य सम्मति प्रदर्शित करते हैं। ये आर्य सम्मति प्रदर्शित करते हैं। अगला नंबर, ये द्विस्तरीय जंतु होते हैं। तथा इनमें भ्रूणीय जनन स्तर, बाह्य जनन स्तर तथा आंतरिक जनन स्तर विकसित होते हैं। अगला पॉइंट, ये ऊतकीय स्तर का शरीर संगठन, ये ऊतकीय स्तर का शरीर संगठन प्रदर्शित करते हैं। तथा इनमें स्थायी अंग नहीं बनते
अगला पॉइंट उनका तो नहीं सर का, रख दो से। अगला पॉइंट लिखेंगे, इनका शरीर आदर्श रूप से द्विरूपी होता है। इनका शरीर आदर्श रूप से द्विरूपी होता है। नंबर एक बेलनाकार, नंबर एक बेलनाकार और नंबर दो प्याली नुमा। नंबर एक बेलनाकार और नंबर दो प्याली नुमा। अगला पॉइंट लिखेंगे, इनमें श्वसन व उत्सर्जन, इनमें श्वसन व उत्सर्जन दोनों ही शरीर सतह से, इनमें श्वसन व उत्सर्जन दोनों ही शरीर सतह से विसरण के माध्यम से होते हैं। दोनों ही शरीर सतह से विसरण के माध्यम से होते हैं। इनमें मुख्य उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया है। इनमें मुख्य उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इनमें निम्न कोटि का जालिकावत, इनमें निम्न कोटि का जालिकावत कौमा तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है। जालिकावत तंत्रिका तंत्र उपस्थित होता है। तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अनुपस्थित होता है। तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अनुपस्थित होता है। तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अनुपस्थित होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, इनमें जनन लैंगिक व अलैंगिक प्रकार का होता है। इनमें जनन लैंगिक व अलैंगिक प्रकार का होता है। तो ये थे आपके सीलन टेट्रा के लक्षण। ठीक है बच्चों, ये थे आपके सीलन टेट्रा के लक्षण। तो आपने देखा और समझा कि जो सीलन टेट्रा है वे किस प्रकार के जंतु हैं, उन्हें यानी कि कहाँ पाए जाते हैं, इनका शरीर संगठन कैसा होता है तथा शरीर का प्रकार कैसा होता है, इनकी देह भित्ति कैसी होती है, दो स्तर की होती है, दंशिकाओं कैसी होती है। तो ये थे आपके सीलन टेट्रा के